नमस्कार, दलाल मीडिया पर आपका स्वागत है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने दावा किया कि 2019 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव रहा है, 600 अरब खर्च हुआ है। सीएमएस ने अपने फील्ड अध्ययन में बताया कि राजनीतिक दलों ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ खर्च किए, प्रति वोटर 700 रुपये। हम पत्रकार और जनता के लोग भी सुनते रहते हैं कि इलाके में पैसा बटा है। इस बार यह भी सुनने को मिला कि गांव के मौजूदा और हारे हुए प्रधानों को भी पैसा मिला है, जिला पंचायत के सदस्यों को भी पैसे मिलने की बात सुनते रहते हैं। इनकी पुष्टि तो संभव नहीं है, लेकिन उम्मीदवार निजी बातचीत में बताते हुए पाए जाते हैं कि फला ने 10 करोड़ बांट दिया तो फला ने 20 करोड़। अब यह जनता ही बता सकती है कि उसने कितना लेकर वोट दिया। राजनीति की अजानी हुई बात का खंडन कोई नहीं करता, साबित भी कोई नहीं कर पाता। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक फ्रॉड के 6,800 मामले दर्ज हुए और 71,500 करोड़ का चूना लगा है। उसके पहले के साल 2017-18 में 41,167 करोड़ का चूना लगा और फ्रॉड के 5,916 मामले दर्ज। विगत 11 वित्तीय वर्षों में यानी 2008 से अब तक 2,00,000 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है। बैंक फ्रॉड के 53,334 मामले दर्ज हो चुके हैं। 75 से 80% फ्रॉड के मामले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हुए हैं। 2015 में भारत सरकार बैंकों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 2,50,000 करोड़ दे चुकी है। मई 2014 को मार्केट कैपिटलाइजेशन में सरकारी बैंकों का शेयर 42.9% था, जो घटकर 26% हो गया है, यानी आधा रह गया है। अगर उनकी हिस्सेदारी 2014 के स्तर पर रहती तो उसका मूल 4,00,000 करोड़ का होता, यानी सरकारी बैंकों ने 5 साल में 4,00,000 करोड़ गवा दिए। यह जानकारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ली गई है। कई लोगों की राय है कि सरकार को सरकारी बैंकों को बचाने का मुंह छोड़ देना चाहिए और इनका निजीकरण कर देना चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 40,000 पार कर चुका था। यह पहली बार हुआ है। जीडीपी के कमजोर आंकड़ों, चीन अमेरिका व्यापक तनाव के कारणों के बाद भी सेंसेक्स का यह उछाल उल्लेखनीय है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले 100 दिनों में 5G ट्रायल शुरू हो जाएगा। अमेरिकी थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने दावा किया है कि 2016 के साल में फर्जी बिल बनाने के कारण भारत को 13 अरब राजस्व का नुकसान हुआ है। भारत को जितना राजस्व मिलता है उसका 5.5% फर्जी बिल के कारण है। बिलों में हेरा फेरी के कई मॉडल हैं। ये खबर बिजनेस स्टैंडर्ड से ली गई है। मनी कंट्रोल नाम की एक वेबसाइट है, इसने एक हिसाब लगाया है कि मुंबई में हर साल टैंकर माफिया 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का पानी बेच कर कमा लेते हैं। टैंकर माफिया पानी कहां से लाते हैं? जाहिर है ज़मीन से। अगर पूरे महाराष्ट्र का हिसाब लगाएं तो यह राशि कुछ भी हो सकती है।